कि राजस्थान में कानून जो है गवर्नमेंट का है निस्संदेह, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर मानकर चल रही है। 99 में गवर्नमेंट जो है 99 के अंदर जाट और समांतर जातियों को, सक्षम और सबल जातियों को 99 में गवर्नमेंट ने उनको आरक्षण दे दिया। इसके बाद में हम जो है कोर्ट में गए अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने और मार्च 2015 में हाई कोर्ट ने जो हमें अधिकार दिया कि सक्षम जातियों को निर्बल जातियों के ऊपर और उनका हक खाने के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बड़े दुख की बात है कि आज लगभग 18 साल से भी ज़्यादा समय होने के बाद 1999 से अब तक आप ये देखिए कि लगभग 20 सालों में बहुत से, मैं समझता हूँ कि 30 साल तक नौकरी करता है आदमी और 20 साल तक तो बहुत लोग पीछे चले गए मूल पिछड़ा वर्ग के, जिनको के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बाध्य किया कि इनको इनका हक देना चाहिए। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कोई परवाह नहीं की। गवर्नमेंट ने एक आयोग मात्र बनाकर इतिश्री कर ली और सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप 4 महीने के अंदर बताएं कि कौन सी जाति सक्षम है कौन सी जाति सक्षम नहीं है। लेकिन लगभग आप ये देखिए कि 23 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोई उस पर कार्य नहीं हुआ है। इसलिए हम न्यायमूर्ति जस्टिस वी ऐश्वर्या के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि हमें राजस्थान में कोई कहीं न्याय मिलने की सरकार से कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए संगठन और एक बड़े संगठन का सहारा लेकर सरकार की कमर तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है।